अनवर भाई, हम लोग कौन से फार्म आए हुए? लबनीस बुचर फार्म। माशाल्लाह से 45 मिनट की ड्राइव बनी है मेरे अंदर खाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के तीन, सुभान अल्लाह। और एक बकरा भी उस नाम के पापा की तरफ, पापा की तरफ से एक बकरा अलग। एक मोहम्मद आरिफीन, मोहम्मद आरिफ गाय की कुर्बानी। मोहम्मद आरिफीन के पास है अपना बड़े मामू का ना, मम्मी पापा के नाम की कुर्बानी और एक नूरुल आलम के नाम की, सुभान अल्लाह। फार्म हाउस देख लीजिए, फार्म हाउस में इतना क्राउड है कि यहाँ पुलिस भी लगी हुई है। गालिब भाई, कैसा चल रहा है सूरत हाल? प्याज का रेट हो रहा है इजाज़ भाई का, अपना तो नंबर लगा लबनानी फार्म पे हम लोग खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अनवर भाई, हम लोग हर साल कुर्बानी के लिए क्यों करते हैं इतनी काविशें, इतनी आना? ये हमारा मजहबी फरीजा है और इस तरह यहाँ आने से ये होता है कि देखो फीलिंग जो है ना वो हमें आती है। वैसे तो आम प्रैक्टिस ही हो गई है यहाँ पे, खासतौर पर अमेरिका में, कि नाम लिखवा दिया जाता है। तो वो क्या होता है कि वो उल्टे बकरे टांग के ना सारे सब पे चुनिया मार के कहते हैं अभी 10 तेरे, 5 10 15 उसके, 5 उसके, तो पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। हमारे बच्चों में भी ट्रांसफर होती है, कम से कम हमें तसल्ली होती है एटलीस्ट हम यहाँ खुद आए हैं और अपने अपने हाथ से ऊपर का है और हमारा जानवर जो है वो बताएगा प्लस ये है कि हमारे बच्चों को पता चलता है अपने ट्रेडिशन का, अपने मज़हब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका पता चलता है भाई किस तरह ये कुर्बानी होनी चाहिए। तो बस ये एक चीज़ होती है जिसकी वजह से जो है मतलब देखे ना जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर कितना क्राउड है, उन सबकी वही एक वजह है कि भाई वो चाहते हैं कि उनके सामने जो है वो जानवर हलाल हो और उनको वो फीलिंग आए कि हाँ भाई उन्होंने कुर्बानी जो है वो अपने सामने और अपने हाथ से की। एक और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग बाल्टीमोर मेरीलैंड गुलजार मदीना में इतना बड़ा आप लोग प्लेस है तो कोई काम चल रहा है इंशाल्लाह, वहाँ पे जो है वो परमिट वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, हम लोग वॉलंटियर काम करने के लिए तैयार हैं वहाँ पे। अभी फ़िलहाल सेमेट्री के हवाले से काम चल रहा है कब्रिस्तान के लिए और बाकी और भी प्रोजेक्ट हैं, दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनके लिए जो है ना आसानियाँ फरमाए और फिर आखिरी एक और सवाल वालिद सगल गालिब भाई, आप यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह से। अच्छा ये तो हो गई यूट्यूब चैनल के लिए, फेसबुक के लिए भी स्टेटमेंट आप लोगों को देना पड़ेगी। जज़ाकअल्लाह।